तो इस वीडियो में आपसे यही बात करेंगे कि भाई आंसर के आने के बाद अब कट ऑफ क्या रह सकती है, और आपसे ये भी बात करेंगे कि भाई लोगों के नंबर इतने कम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जिनके अटेम्प्ट 84 थे, 85 थे, 19 अटेम्प्ट थे, ऐसे बंदों के अब नंबर कट रहे हैं। मैक्सिमम लोगों के जो नंबर कट रहे हैं वो माइनस मार्किंग में कट रहे हैं, और वो भी जो माइनस मार्किंग आपके कट रहे हैं वो किस में कट रहे हैं, आपको साइंस वाले सब्जेक्ट में कट रहे हैं। मतलब यार साइंस का जो लेवल था ना वो मॉडरेट टू हार्ड था, सबको पता ये चीज़, जिस वजह से ना साइंस में बहुत ज़्यादा माइनस मार्किंग आ रही है, क्योंकि लोग पहले से ये माइंड सेट करके चले जा रहे थे कि भाई साइंस में इतना करना है, मैथ में इतना करना है, रीजनिंग में इतना करना है, और वही माइंड सेट क्या कर रहा है, इनका पेपर को ख़राब किया है। ठीक है, मैं अपना भी अपने खुद के भी बारे में बात करूँगा, मैंने भी 84 अटेम्प्ट किए थे, और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि यार मेरा क्या हाल चल रहा है, मतलब मेरे कितने रॉन्ग हुए, कितने सही हुए, और टोटल कार्ड पिट के मेरे जो रॉ स्कोर है वो कितने बन रहे हैं, इसमें भी बात करेंगे। तो आप वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊँगा कि मेरे स्कोर कितने बने। सबसे पहले मैं ये बात करता हूँ, जैसे मैंने अभी भी टेलीग्राम पे एक पोल डाला है, मतलब मैंने ऐसे एक मैसेज डाला वहाँ पे कि प्लीज़ आप लोग अपना एक बार स्कोर कमेंट करो, जिन्होंने भी आंसर की से अपना स्कोर कार्ड मैच करवा लिया है एक बार कमेंट करो, जिससे थोड़ा सा ये आइडिया मिल पाए कि यार किसके कितने कितने नंबर बन रहे हैं। तो सभी लोगों ने अपना स्कोर वहाँ पे बताया, मैंने मैक्सिमम लोगों के देखा यार कि जितने भी लोग स्कोर बता रहे हैं वो मैक्सिमम 45 से लेकर 60 के बीच में बता रहे हैं, मतलब 40 भी आप मान सकते हो, 40 से लेकर 60 के बीच में। इक्का दुक्का बंदा ऐसे मिल रहे हैं ना जो 70 के ऊपर बता रहे हैं, 80 के ऊपर तो अभी तक किसी ने नहीं बताया। आप नहीं विश्वास होता आप एक मेरे टेलीग्राम पे जाके चेक भी कर सकते हो। तो अब देखो, अब ये कहना उचित तो नहीं होगा कि मैं जानबूझ के कट ऑफ कम बताऊंगा या बहुत ज़्यादा मैं कट ऑफ हाई बताऊंगा, ये खुद आप लोग भी जानते हो। अगर आपको विश्वास नहीं है ना तो यूट्यूब पे बहुत सारे पोल्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे मतलब वोटिंग करने के लिए पोल्स पड़े हुए हैं, आप वहाँ पर खुद जाके चेक करो, वहाँ पे आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ वास्तव में लोगों के स्कोर कम हुए हैं। किस में कम हुए हैं? माइनस मार्किंग में कम हुए हैं। आप देखोगे कि जैसे आपने खुद पेपर देके आया होगा, अगर आपने 80 भी अटेम्प्ट करके आया होगा ना, तो उसमें भी आपके 15-16 से 20 आपके गलत हुए होंगे। ठीक है, मैक्सिमम लोगों के साथ ये परेशानी आ रही है। अभी मैं देखो, अभी मैं अगर कट ऑफ को कम बताऊंगा ना तो कुछ लोग नीचे गाली वाली देना शुरू कर देंगे, कमेंट कर देंगे कि भाई तुम्हारा स्कोर कम है इस वजह से तुम कट ऑफ कम बता रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं, आप मत मानो मेरी बात, आप अदर वीडियो पे जाओ जो बहुत अच्छे चैनल्स हैं। ठीक है, जो बहुत बड़े कट ऑफ मतलब बहुत बड़े चैनल हैं, जो रिस्पेक्टेड चैनल्स हैं, उन पे आप जाके देखो, आपके खुद वहाँ पे कमेंट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बच्चे यार यही तो बच्चे हैं पढ़ने वाले, जो कमेंट कर रहे हैं, जो एक्टिव हैं, वही सारे बच्चे हैं ना जो एग्जाम देकर आए हैं। आपको एक बात का और ध्यान रखना है, इस बार जो आपको नॉर्मलाइजेशन होना है ना वो परसेंटाइल बेस पे होना है। आप ये मत सोचो कि पिछले बार जो 30-30 नंबर बढ़े थे, 35-35 नंबर बढ़े थे, उस तरह बढ़ेंगे। मेन कारण ये भी था, पिछली बार जो आपको नॉर्मलाइजेशन में इतने नंबर मिले थे ना, उसकी वजह से भी कट ऑफ आपकी बहुत हाई चली गई थी। तो इस ये भी मेन रीजन था। इस बार आपको ये नहीं देखने को मिलेगा, आपको परसेंटाइल बेस पे नॉर्मलाइजेशन होना है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 से 10 नंबर, मेरे ख्याल से 5 से 10 नंबर भी मिलना मुश्किल हो जाएगा इस बार। ठीक है, मैक्सिमम 5 नंबर आप देखना, तो इस वजह से भी आपके वो कट ऑफ को डाउन करेगा जो आपके परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होंगे। इस बात को आप समझो जो मैं बताना चाहता हूँ। आप ऐसे हवाबाजी में बात करोगे ना तो आप परेशान हो जाओगे। बहुत से बच्चे अभी डीमोटिवेट हुए हैं, मैं कमेंट देख रहा हूँ भाई, कमेंट। मैंने थोड़ी देर पहले एक पोल डाला था, उस पर लगभग 2000 बच्चे मतलब वोटिंग कर चुके हैं। मैं कमेंट देख रहा हूँ, बस इमोजी, बस रोने वाला इमोजी आ रहा है, कोई रो रहा है, कोई दुखी हो रहा है, कोई लाल हो रहा है, इस तरह की इमोजीज आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बस अब वो डिसाइड कर लिए कि उनको सिलेक्शन नहीं होना है। आप किसी भी बंदे को उठा के देखो यार, मैं तो कह रहा हूँ एक बार आप कमेंट जरूर जाके पढ़ो। आप वहाँ पे देखो यार, अगर 100 कमेंट्स आ रहे हैं ना तो 100 में 85 कमेंट्स ऐसे हैं ना जिनके स्कोर यार 60 के अंदर हैं। आप जाके तो देखो वहाँ पे, आप रियलिटी से बातें करो ना, मुझसे मत, मेरी बात मत मानो, आप किसी की बात मत मानो, आप खुद जाके रियलिटी देखो। और मुझे लगता है कि 1-2 दिन में ये चीज़ें और थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अभी एक्टिव होंगे तो वो भी अपना स्कोर कमेंट करेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखना भाई, आपकी सीट 1 लाख सीट है। ठीक है, तो 1 लाख सीट उनको देना भी है, 1 लाख बच्चों को सीट भी देनी है, तो कट ऑफ कम जाएगा, इस बात को आप मानो। ठीक है, और अगर मैं आपको अपनी बात करूँ तो आपको पता है कि मैंने पिछली बार ग्रुप डी का एग्जाम निकाला तो मैंने फिजिकल भी दिया था। तो अगर आपको लगता है कि आपका भी हो जाएगा, मैं तो कहता हूँ अगर 60 के नंबर तुम्हारी स्कोर है ना, रॉ मार्क्स अगर 60 के ऊपर है ना, तो विश्वास मानो यार, यकीन रखो खुद पे। ठीक है, पक्का सिलेक्शन होगा तुम्हारा अगर तुम्हारे 60 के ऊपर स्कोर है। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को तक जिनका एनटीपीसी में श्योर सिलेक्शन होना है, जिनके एनटीपीसी में 90-92 नंबर आए थे, 85 नंबर आए थे, यार उनका भी स्कोर 70-72 ऐसे ही रह चुका है। तो यार उनका स्कोर इतना कम है ना, तो फिर क्या ही बताएं तुमको अब। ठीक है, तो विश्वास करो खुद के ऊपर, अगर तुमने मेहनत किया है और अगर तुम्हारा स्कोर थोड़ा कम भी है ना, तो खुद पे थोड़ा सा भरोसा रखो, थोड़ा सा इंतजार करो। मैं गारंटी देता हूँ, मैं इस बात को दावे के साथ बोलता हूँ, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोलता हूँ। मैंने भी यार बहुत सारे एग्जाम निकाले हैं, तो
मेरा भी स्कोर जितना रहा है ना, मुझे लगता है कि उतना स्कोर यार इनफ है, ठीक है, स्कोर सबके कमाए हैं, इस बात को आप यकीन करो, मानो, ठीक है। तो चिंता मत करो, परेशान मत रहो, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, मैं लिंक दे दे रहा हूँ वीडियो के नीचे, और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर अच्छा लगे तो, वरना नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो विश्वास रखो खुद पे, और मुझे लगता है कि जिसके भी नंबर 60 से ऊपर है, मैं आपको ओवरऑल डाटा बताता हूँ, एवरेज स्कोर बताता हूँ, अगर आपके नंबर 60 से ऊपर है, मतलब अगर आप 60 नंबर सिक्योर कर रहे हो अभी काट पीट के ना, तो मैं इस बात को पूरे गट के साथ बोल सकता हूँ, गट्स के साथ बोल सकता हूँ कि तुम पक्का फिजिकल के लिए जाने वाले हो, ठीक है। और ये मत सोचो कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी, क्योंकि परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होना है, पिछली बार की तरह 30-35 नंबर नहीं बढ़ेंगे, वो भी कारण था कि पिछली बार आपको जो कट ऑफ है वो बढ़ गए केवल नॉर्मलाइजेशन की वजह से, तो जब ज़्यादा नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे तो स्कोर भी कट ऑफ भी तो हाई जाएगा, तो इस बार आपका नॉर्मलाइजेशन बहुत लिमिटेड होना है, मतलब कम बढ़ेंगे उसमें नंबर, वैसे तो होना ही है, बहुत ज़्यादा सिफ्ट में हुआ है तो वो तो होगा ही, पर बहुत कम नंबर बढ़ेंगे, मार्जिन बहुत कम रहेगा, 5 से 7 नंबर का मार्जिन रहेगा, देख लेना मैक्सिमम, तो उससे क्या होगा ना, कट ऑफ को वो खींचेगा, नीचे डाउन करेगा, इस बात को भी आप समझो। और आपकी वैकेंसी भी ज़्यादा है, और मोस्ट ऑफ द सिलेक्टेड बच्चे वो कहीं ना कहीं जा चुके हैं, क्योंकि 3 साल बाद तो एग्जाम हो रहा है, तो इस बात को पूरे डाटा को अगर एनालाइज करोगे ना, तो फिर आपका टेंशन खत्म हो जाएगा, खुद के ऊपर विश्वास रखो, अगर तुम्हारा एग्जाम अच्छा हुआ है ना, तो नो डाउट आप जाओगे फिजिकल के लिए या फिर फाइनल के लिए भी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, कल मैं एक बार लाइव आऊँगा, अगर मुझे समय मिला तो आप लोग से ज़रूर मैं इस बारे में बात करूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे फिजिकल होना है तो फिजिकल तो मैंने निकाला ही था, तो उसका भी आइडिया आपको जरूर दूंगा कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। तो तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे। अपना स्कोर एक बार जरूर कमेंट कर देना, ठीक है, जिससे कि सभी लोग को आइडिया लग जाए कि हाँ भाई इतने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी के लिए चलता हूँ, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।